हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट लाए हुए हैं। आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके जो ये एग्ज़ाम में आए तो आए, उसके साथ मान लीजिए आपके स्कूल में भाई होता है तो उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पी द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखिए, पी के द्वारा दोस्तों जो है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है। मान लीजिए पीएच हम लोग बोलते हैं ना, पीएच मान, इसका पीएच मान कितना है, उसका पीएच मान, तो हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय? तो दोस्तों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अम्लों में विद्यमान तत्व का नाम बताइए। तो अम्लों में जो होता है विद्यमान तत्व जो है हाइड्रोजन होता है, ये तत्व है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूना में प्रवाहित करने पर क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देता है, मतलब तो दूधिया बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूना के साथ अब क्रिया करवाएंगे ना, चाहे ढोलेंगे तो उसको दूधिया बना देगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्या तांबा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ता कब स्थापित करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जस्ता के बर्तन में रखा जा सकता है? तो देखिए क्या होगा, हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन को जस्ता के बर्तन में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है ना, नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि जस्ता तांबे से अधिक क्रियाशील है और कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबा का विस्थापन कर जिंक सल्फेट बना लेता है, इसलिए हम लोग नहीं रख सकते हैं और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जो है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल में नीला लिटमस पत्र डाला जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका क्या होगा कि नीला पत्र जो है, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा जब हम लोग डालेंगे उसमें तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एथनोइक अम्ल प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है? तो एथनोइक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल को गर्म करने पर एस्टर बनता है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप बने एस्टर की गंध फल जैसी मीठी होती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? मुक्त गैस की पहचान आप किस प्रकार करेंगे? तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम जो है, सोडियम कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और इस गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर गैस पॉप की आवाज़ के साथ जलने लगती है तथा संठी बुझ जाती है। इस तरीका से हम लोग जांच करेंगे। ठीक, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होती है? तो देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन यानी 10^-7 के 7 मोल एल इन्वर्स होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या विलयन का पीएच मान शून्य भी होता है? हाँ, विलयन का मान जो है शून्य भी होता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस विलयन का पीएच मान कब शून्य होता है? तो जब विलयन में हाइड्रोजन आयन एक होता है यानी 10^0 जी आयन L^-1, तब उसका पीएच बराबर -log(10^0)0 अर्थात इसका विलयन 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है, उसकी मान जो है शून्य होता है। उदाहरण के लिए
MHCl या NHCl विलयन का पीएच मान शून्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्र डालने पर क्या होता है? तो देखिए, नीला लिटमस पत्र का रंग जो है लाल हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो है क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर क्या होगा? तो जो लाल है लिटमस पत्र का रंग जो है नीला हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, SO2 के जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र डालने पर क्या होगा? तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, जल में विलयशील विलय यानी क्षारक को क्या कहा जाता है? तो जल में विलयशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? तो इसका आंसर है सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी क्षारक जल में विलयशील नहीं होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घुलने पर कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरस है, जल में घुलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक संक्षारक अम्ल का नाम बताइए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, Na2O के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर क्या होता है? तो लाल लिटमस पत्र का रंग जो है नीला हो जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक विषैली गैस है। और अगला क्वेश्चन जो है, लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? तो सुनहला पीला होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? तो इसका आंसर है सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी क्षारक जल में विलयशील नहीं होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घुलने पर कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरस है, जल में घुलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक संक्षारक अम्ल का नाम बताइए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, Na2O के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर क्या होता है? तो लाल लिटमस पत्र का रंग जो है नीला हो जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक विषैली गैस है। और अगला क्वेश्चन जो है, लौह परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा होता है? तो सुनहला पीला होता है।